क्यों और कब मनाया जाता है ईस्टर? माना जाता है कि गुड फ्राइडे पर जहां प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और वे स्वर्ग चले गए थे, वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। यह दिन प्रभु यीशु के पूर्ण जन्म का दिन माना गया है। इसी घटना को ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म में ईस्टर संडे का विशेष महत्व माना गया है। इस साल ईस्टर संडे 9 अप्रैल यानी संडे को मनाया जा रहा है। शुक्रवार को जहां ईसाई परिवारों ने गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु का बलिदान दिवस मनाया, वहीं अब वे रविवार को खुशियों का पर्व ईस्टर मनाएंगे। गुड फ्राइडे पर जहां मातम का माहौल होता है, वहीं ईस्टर पर्व पर खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए यह पर्व पूरे उत्साह और खुशियों से मनाया जाता है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार प्रभु यीशु भगवान के पुत्र थे और इसीलिए सूली पर चढ़ाए जाने के बाद वे 3 दिन बाद एक बार फिर जी उठे। जिस दिन उन्हें सूली पर लटकाया गया उस दिन को गुड फ्राइडे और जिस दिन वे फिर से जी उठे उस दिन को ईस्टर कहा गया। कथाओं के मुताबिक ईस्टर पर दोबारा जीवित होने के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने शिष्यों को सत्य के रास्ते पर चलने का संदेश दिया था। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। क्या हुआ था गुड फ्राइडे के दिन? प्रभु यीशु को प्रेम और शांति का मसीहा माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु को धार्मिक कट्टरपंथियों ने सूली पर चढ़ा दिया था। जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो उनके अनुयायी दुख और निराशा से भर गए थे। हालांकि इसके 3 दिन बाद संडे के दिन फिर से वे जी उठे, जिसका नतीजा यह हुआ कि हताशा और निराशा प्रभु यीशु के अनुयायियों के बीच से फिर से हटी और वे खुशियों से झूमते नजर आए। ईस्टर संडे के दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च जाते हैं और प्रभु यीशु को याद करते हैं। उनकी यादों में गिरजाघर या चर्च में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की खुशी में एक दूसरे को बधाई देते हैं। ईस्टर संडे को खजूर इतवार के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह के जीवित होने के बाद जिन कट्टरपंथियों ने उन्हें यातनाएं दी और सूली पर चढ़ाया, उन लोगों को अपने कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ। इसलिए इस दिन को बदलाव के दिन के रूप में भी माना जाता है। ईस्टर पर अंडों का विशेष महत्व माना गया है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन अलग अलग तरहों से अंडों को सजाते हैं और उन्हें एक दूसरे को गिफ्ट में भी देते हैं। माना जाता है कि अंडे नया उत्साह और नई उमंग का प्रतीक हैं।